नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्रीरविंदु सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्रीरविंदु सोसाइटी के द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं HDFC बैंक। हम पिछले कई दिनों से आपसे नवाचारों पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमने कई सारे नवाचार पिछले 1.5 महीने में आपके साथ डिस्कस किए, चर्चा पर चर्चा की। हम शनिवार से जिस राज्य की नवाचार पुस्तिका पे आपसे बात कर रहे हैं उस राज्य का नाम है गोवा। गोवा में जो टीचर्स से इनोवेटिव आइडियाज प्राप्त हुए उन आइडियाज को हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं जिनको हमने पहली पुस्तिका पे, गोवा की जो पहली पुस्तिका थी उस पे हमने इनको शामिल किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे लोगो दिखाई देगा स्टेट ऑफ गोवा का। तो आज हम जिस इनोवेटिव आइडिया पे आपसे बात कर रहे होंगे वो गोवा के शिक्षकों द्वारा ही हमें दी गई है और वो इनोवेटिव आइडिया या केस स्टडी जो हम आपसे डिस्कस कर रहे होंगे उसका नाम है न्यू एज टीचिंग टेक्निक या अभिनव शिक्षण तकनीक। अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आज मैं आपसे 9 आइडियाज डिस्कस करने जा रहा हूँ या 9 नवाचार डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमें गोवा के ही शिक्षकों द्वारा प्राप्त हुए। मैं एक बार जल्दी से उन सभी शिक्षकों का नाम आपको बता देता हूँ जिन्होंने ये नवाचार हमें दिए। वो शिक्षक हैं नमिता देसाई मैम जो कि सैंगविन साउथ गोवा से हैं। इसके अलावा प्रदन्य पदिनकर मैम जी हैं जो कि तीसवाड़ी गोवा से हैं। प्रतीक्षा सागर मैम है जो कि नॉर्थ गोवा से हैं। आरती अशोक नायक मैम है जो कि तीसवाड़ी गोवा से हैं। दीक्षा मैम है जो कि सैंगविन साउथ गोवा से हैं। वैशाली रानी मैम है जो कि तीसवाड़ी नॉर्थ गोवा से हैं। पांडुरंग नायक सर हैं जो कि साउथ गोवा धर्मदोरा से हैं। इसके अलावा अनी रमीश मैम है जो कि बिचोलिम नॉर्थ गोवा से हैं। देन त्रिपति प्रकाश मैम है जो कि बिचोलिम नॉर्थ गोवा से हैं और इसके अतिरिक्त राजेश्वरी बडिगर मैम है जो कि कोलिम तीसवाड़ी नॉर्थ गोवा से हैं। तो ये वो 11 इनोवेटिव टीचर्स हैं, हमारे नवाचारी शिक्षक हैं जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज दिए। वो इनोवेटिव आइडियाज मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगा इस केस स्टडी अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत। अभिनव शिक्षण तकनीक जैसा नाम से ही समझ में आता है, 3 शब्दों से बना हुआ है, अभिनव शिक्षण और तकनीक, मतलब सिखाने के या शिक्षा देने के नए तरीके। हम सब जानते हैं कि जो परंपरागत प्रशिक्षण या परंपरागत शिक्षण प्रणाली थी जिसमें शिक्षक कक्षा में आते थे या आते हैं और विद्यार्थियों को किताब खोलकर बताकर चले जाते हैं, जो लेक्चर वाला या चौक टॉक जो मेथड था वो अब चौक वाला मेथड धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब जो मेथड है वो ये कहता है या नई शिक्षण पद्धति या प्रणाली के अनुसार हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है शिक्षा में, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ सके, रुझान बढ़ सके शिक्षा के प्रति और वो ज्यादा उत्साहित महसूस कर सके पढ़ने के लिए और जो बोर्डम है उससे बाहर निकलकर नए तरीके से नए माहौल में बेहतर शिक्षा, ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा रुझान के साथ ग्रहण कर सके। सरकार ने बहुत कुछ प्रयास किए बच्चों को स्कूल में लाने के लिए, उनकी एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, नामांकन दर बढ़ाने के लिए। उदाहरण के तौर पर सरकार ने बच्चों को मुफ्त किताबें दी, ड्रेसेस दिए, मध्याह्न भोज दिया, कॉपी पेंसिल वगैरह दिए, शूज दिए, साइकिल इत्यादि भी दी। उससे निश्चित तौर पर नामांकन दर में तो वृद्धि हुई लेकिन उस नामांकन दर, उस एनरोलमेंट को अटेंडेंस या उपस्थिति दर में बदल पाना, कन्वर्ट कर पाना अभी भी एक समस्या या चुनौती शिक्षकों के समक्ष बना हुआ है। वो जो चुनौती है, जो समस्या है, इसका निदान तभी हो सकता है जब बच्चों को इंटरेस्ट आए शिक्षा में, जब बच्चों को पठन पाठन की जो ये प्रक्रिया है उसमें इंटरेस्ट आए। और वो इंटरेस्ट तभी आ सकता है जब बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सके, बच्चों को सम्मिलित किया जा सके, बच्चों को शामिल किया जा सके शिक्षा में और नए नए तरीके ईजाद किए जाए, नए तरीके लाए जाए जिससे बच्चों को बोरियत ना महसूस हो और साथ ही साथ अब शिक्षकों का भी जो रुझान है शिक्षा के प्रति वो निरंतर बना रहे और ज्यादा उत्साह के साथ हम पढ़ा सकें और ज्यादा उत्साह के साथ बच्चे शिक्षा भी ग्रहण कर सकें। और इसी के तहत इस न्यू एज
टीचिंग टेक्निक या अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत जो पहला नवाचार मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है मेक अ स्टोर, या कहा या आप मेक अ स्टोरी का मतलब कहानी बताओ, क्या है कहानी बनाओ। आइए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इसके साथ साथ ही जो इनोवेटिव आइडियाज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो है लर्निंग थ्रू पपेट्स। क्या है लर्निंग थ्रू पपेट्स या कठपुतलियों से खेल, आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कठपुतली का खेल है क्या। हम सब जानते हैं कि बच्चों को कठपुतलियां या कार्टून या टॉय खिलौने बहुत पसंद होते हैं। एक बहुत फेमस कहावत है, मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि अगर आप मुझे कुछ बताते हैं तो मैं भूल जाऊंगा। अक्सर होता है कि हमें कोई बात बताता है और हम भूल जाते हैं, हमें वो बात ध्यान नहीं रहती। अगर आप मुझे सिखाओगे, मुझे पढ़ाओगे तो मैं हो सकता है उसे याद रखूं, लेकिन अगर आप मुझे अपने साथ शामिल कर लोगे, उस एक्टिविटी में मुझे इन्वॉल्व कर लोगे, तो मैं निश्चित तौर पर सीखूं। और ये करके भी सोच करके भी देखिए, ऐसा सच में होता है। कई बार हमसे कोई मित्र हमारा या कोई दोस्त कोई बातें बताते और हम भूल जाते हैं। स्कूल में पढ़ी हुई हो सकता है कई सारी बातें आपको याद है जो आप है होंगी, जो आपके शिक्षकों ने आपको पढ़ाई हो, लेकिन अगर आप किसी गतिविधि में सम्मिलित होते हैं, किसी गतिविधि में शामिल होते हैं, तो आप वो सीखते हैं, उसे भूलते नहीं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, और मैंने आपको बताया कि आपको कैसे गाड़ी स्टार्ट करनी है, सेल्फ स्टार्ट या किक के थ्रू, क्लच या बाइक की बात करें तो क्लच आपको हाथ में लिए रहना है, और फिर आपको गियर चेंज करना है क्लच में लिए लिए, और धीरे धीरे आपको क्लच छोड़ना है, एकदम से क्लच नहीं छोड़ना है। चढ़ाया है तो आपको गियर जो है डाउन करना है। ये बातें मैंने आपको बता दी। हो सकता है अगर आपको चलाना नहीं आता तो 2 महीने बाद आप भूल जाएं, या मैंने पढ़ा दिया, बता दिया आपको, डायग्राम बता के दिखा दिया कि गाड़ी होती है इससे होते, ये क्लच होता है, ये ब्रेक होता है, तो हो सकता है आपको याद रहे, लेकिन आप अगर उसमें शामिल होते हैं, आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, आपको सिखा दी जाती है, तो यकीन मानिए, आपने उदाहरण के तौर पर साइकिल की बात करूं तो आपने हो सकता है कई साल पहले साइकिल चलाना सीखा रहा हो, लेकिन अब आज क्या साइकिल चलाना आप भूल गए? आप भूले नहीं। तो अगर हम इन्वॉल्व कर लेते हैं बच्चों को शिक्षा में, हम उन्हें सम्मिलित कर लेते हैं जो हम सिखा रहे हैं उसमें, तो निश्चित तौर पर वो एक लर्निंग होती है जो बच्चों को लंबे समय तक याद रहे। और इसी थॉट के साथ हमारे टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा कठपुतली के माध्यम से शिक्षण। ये इनोवेटिव आइडिया किस तरीके से काम करता है, आइए थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश कर। जैसे मैंने कहा बच्चों को कार्टून, कठपुतलियां, टॉयज या खिलौने बहुत पसंद आता है। टीचर ने कहा सर मैं क्या करता हूं, कई बार मैं बच्चों को टॉपिक पढ़ाता हूँ, खासतौर से जो इनोवेटिव आइडिया प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने कहा सर मैं बच्चों को कोई कहानी या कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। उन्होंने कहा सर मैंने इसके लिए क्या सोचा, मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे बच्चों को हम इन्वॉल्व कर सकें इस लर्निंग में, बच्चों को सम्मिलित कर सकें इस शिक्षण में या इस पठन पाठन की प्रक्रिया में, जिससे वो जब स्वयं इन्वॉल्व होंगे तो उनकी लर्निंग जो होगी वो कॉन्क्रीट होगी और लंबे समय तक रहेगी। कई सारे लेसन, कई सारी कहानियां इस कठपुतली के खेल के माध्यम से बड़ी आसानी से बच्चों को सिखाई जा सकती है। दूसरा, बच्चों को इन कठपुतलियों में मजा भी आता है, और बच्चे जब स्वयं एक्टिविटी करते हैं तो लंबे समय तक उन्हें टॉपिक वो कहानियां याद रहती है। और इसके लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता है, जो भी आवश्यक सामग्रियां हैं, वो है चार्ट पेपर, गोल, कलर स्केच या फिर बॉल हम ले सकते हैं, इसके अलावा पेन हो सकते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल कर पड़ेगा या जरूरत पड़ेगी, धागे की जरूरत पड़ेगी, और पुराने जो सॉक्स है, जो मोजे हैं, उनका इस्तेमाल हम कठपुतलियों का आकार बनाने के लिए कर सकते हैं। रंगीन पेन से या स्केच पेन से उनकी आंखें, नाक इत्यादि बनाई जा सकती हैं। और फिर उनका इस्तेमाल हम, अगर आपने कठपुतलियों का खेल कभी देखा होगा तो एक लकड़ी के माध्यम से धागे के थ्रू बंधी हुई होती है और उसी के माध्यम से उनका मूवमेंट होता है। टीचर ने कहा सर मैं क्या करता हूँ, इसको 2 स्टेज में हम करते हैं।
पहला स्टेज तो ये है कि बच्चों को कोई कहानी बता दी जाती है कि इस टॉपिक पे कोई पाठ या कोई विषय वस्तु पढ़ाया, तो उस टॉपिक या उस विषय वस्तु पे बच्चों को टॉपिक तैयार करना है, उसे पढ़ना है ध्यान से। पढ़ने के बाद बच्चों को बोला जाता है कि आपको उसको कहानी बनाना है। बच्चों के तीन तीन बच्चों के ग्रुप बना दिए जाते हैं और उन्हें बोला जाता है कि आपको डिस्कस करना है एक कहानी का एक एक हिस्सा या एक एक कैरेक्टर बच्चों को दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक कहानी है जिसमें एक कछुआ है, एक खरगोश और एक बंदर है, तो तीनों की भूमिका बच्चों को अलग अलग बच्चों के ग्रुप को जिसमें तीन तीन चार चार बच्चे हो सकते हैं उनको दे दी जाती है और बच्चों को बोला जाता है कि इस कहानी में आप अपना किरदार अगर है तो उसे किस तरीके से लिखोगे और उसे बताओ कि किरदार क्या होगा, क्या क्या उसकी बातें होंगी, उसके जो डायलॉग्स हैं वो बच्चों को बोला जाता है कि आप तैयार करें। इसके अलावा बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट का जो क्लास होता है शिक्षक की मौजूदगी में उनसे विभिन्न कठपुतलियां बनवाई जाती हैं। सॉक्स के अंदर, मोजे के अंदर, जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर कुछ कपड़ा डाल के या पुराने रद्दी का कागज डाल करके उसे मोटा कर लिया जाता है और उसके आंख नाक इत्यादि बना दिया जाता है। अब बच्चों का जो ग्रुप होता है वो अपने अपने उस कैरेक्टर का रोल प्ले करता है, उसका कैरेक्टर लिखता है, कहानी समझता है कि कहानी क्या है। अब इससे बच्चों के विभिन्न इमेजिनेशन या सोचने की जो कला है उसका विकास होता है, बच्चों की रचनात्मक कौशल का विकास होता है, बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है बच्चों का, वो इम्प्रूव होता है। इसके साथ साथ बच्चों में टीम वर्क की भावना जागृत होती है। अब बच्चे ने प्रिपेट तैयार की, मिलकर के वो कठपुतलियां तैयार करते हैं, वो कहानी तैयार करते हैं। कहानी और कठपुतलियां तैयार करने के बाद जिसका दूसरा स्टेज है वो ये है कि किसी भी दिन, उदाहरण के तौर पर महीने के आखिरी शनिवार को या हफ्ते के आखिरी शनिवार को या सप्ताह के लास्ट दिन सैटरडे को बच्चे क्या करते हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो सारे बच्चे उस कहानी को एक साथ प्ले कर रहे होते हैं और अपना अपना हिस्सा सारे बच्चे प्ले करते हैं। सामने बैठे बच्चे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए रहते हैं जो उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। इस तरीके से बच्चे नए नए तरीके से बोलना सीखते हैं, बच्चे उन कठपुतलियों का इस्तेमाल करना सीखते हैं और क्योंकि वो उस कठपुतली खेल में इन्वॉल्व होते हैं तो बड़ी आसानी से बच्चों को टॉपिक या वो कहानी समझ में आ जाती है और बच्चे सीख जाते हैं जो लंबे समय तक उन्हें याद रहती है, बच्चे भूलते नहीं। सो इससे, और जब बच्चा उन कठपुतलियों को हाथों के माध्यम से उन्हें हिलाता है, उन्हें हैंड मूवमेंट कराता है, डायलॉग बोलता है, तो बच्चे जो माइन्यूट जो मोटर स्किल्स होते हैं, ये जो फाइन मोटर स्किल्स जिन्हें हिंदी में कुशलता संबंधी बारीकियां बोलते हैं, तो बच्चे बड़ी आसानी से इन कुशलता संबंधी बारीकियों को भी सीख जाते हैं। तो बड़ा छोटा सा खेल या बड़ा छोटा सा इनोवेटिव आइडिया, लेकिन यकीन मानिए इससे बहुत चेंजेस आता है, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से शामिल होते हैं इस एक्टिविटी में और बहुत आसानी से शिक्षक खेल खेल में नए तरीके से बच्चों को महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण कहानियां सिखा देते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ जिसका नाम है सिंप्लीफाइंग लैंग्वेज, या भाषा को आसान बनाना या भाषा को सरल बनाना। हमारे देश में लगभग 13 प्रतिलिपियों में 22 प्रमुख भाषाएं एवं 720 बोलियां बोली जाती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितनी भाषाएं और कितनी बोलियां हैं। जैसे मैंने कहा, वापस से रिपीट करता हूं कि हमारे देश में 30 लिपियों में, जैसे देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, ऐसे ही 13 लिपियां हैं जिनमें 22 भाषाएं और 720 के करीब बोलियां बोली जाती हैं। तो हम अंदाजे लगा सकते हैं कि कितनी बोलियां और कितनी भाषाएं हमारे देश में हैं, और इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बाणी, कि हर कोस में हमारे देश में पानी का स्वाद बदल जाता है और हर चार कोस में बाणी बदल जाती है। आप खुद ही देखिए इतनी बोलियां चलती हैं। अगर आप किसी भी राज्य की बात कर लें, चाहे वो
हम कर्नाटका की बात कर ले, गोवा के उदाहरण ले रहे हैं तो गोवा की बात कर ले, तो भले वो कोंकणी बोली जाएगी या मराठी बोली जाएगी, लेकिन आप अंतर पाएंगे कि हर थोड़ी थोड़ी दूर बाद जो कोंकणी बोली जाती है उसमें भी काफी हद तक कुछ परिवर्तन आ जाता है। या हिंदी में ही देखिए तो आप विभिन्न विभिन्न जगहों में, आप उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। तो इसीलिए कहते हैं कोस कोस में बदले पानी चार कोस में वाणी। हमारे टीचर ने बताया कि सर हमारे देश में बच्चे या हमारे प्रदेश में हमारे प्रदेश में बच्चे विभिन्न राज्यों से आते हैं, क्योंकि गोवा एक पर्यटन स्थल है, एक ऐसा राज्य है जो पर्यटन जहाँ पे दुनिया भर में मशहूर है, दुनिया भर से लोग गोवा में आते हैं। इस कारण से कई बार रोजगार के चक्कर में बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग विभिन्न राज्यों से गोवा पहुंचते हैं। अब टीचर ने कहा कि सर होता क्या है कि बच्चों के अभिभावक आए, अब हमारे यहाँ बच्चे विभिन्न विभिन्न राज्यों से आते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लें कि मान लीजिए झारखंड से कोई बच्चा है, वो स्कूल गया हुआ है, अब गोवा में कोंकणी चलती है या मराठी चलती है या इंग्लिश चलती है। अब टीचर ने कहा कि सर होता क्या है कि बच्चा जब झारखंड की लैंग्वेज ये भोजपुरी बोल रहा था, अब जब वो गोवा आता है तो उसके लिए भाषा में काफी अंतर मिलता है, और बच्चे के लिए क्योंकि शिक्षक दूसरी भाषा बोल रहे हैं तो कई बार समझना मुश्किल हो जाता है। यही स्थिति शिक्षक के लिए भी कई बार ऐसा होता है कि वो ट्रांसफर होकर के किसी रूरल एरिया में जाते हैं या अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं जहां बोली बदल जाती है, और उस बोली में बदलाव के कारण शिक्षक के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है कि उस लोकल बोली को समझ सकें। अब हम सब जानते हैं कि अगर एक दूसरे से बेहतर संवाद स्थापित करना है तो जो भाषा बोली जा रही है वो जब सामने वाले को समझ में आएगी तभी एक बेहतर संवाद हो सकता है। अब वो भाषा चाहे तो हमारे एक्शन के माध्यम से, हमारे फेस एक्सप्रेशन के माध्यम से, जो हम मुंह से बोल रहे हैं उसके माध्यम से हो सकती है। तो किसी भी माध्यम से अगर हमें अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है तो हमें उसकी भाषा में बात करनी होगी, या हमें किसी ऐसी कॉमन भाषा में बात करनी होगी जैसे सामने वाला व्यक्ति और हम एक दूसरे के बातों, दूसरे के विचारों को समझ सकें। और इसी के तहत टीचर ने जो इनोवेटिव आइडिया दिया उनका नाम, उसका नाम उन्होंने दिया सिंप्लीफाइंग लैंग्वेज या आसान भाषा। इसके तहत होता क्या है कि शिक्षक कोई भी टॉपिक अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो प्रयास करते हैं कि उसे दो से तीन भाषाओं या बोलियों में बोलने का प्रयास किया जाए या बोला जाए, जिसे सामने वाला बच्चा किसी भी तरीके से उसको समझ सके। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए टीचर कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें पत्तियों के बारे में या रंग के बारे में बताया गया, मान लीजिए टीचर छोटी क्लास के बच्चे उसे हरा रंग समझाना है तो कैसे समझाए? टीचर ने क्या किया, वो स्कूल प्रांगण से ही पत्ती उठाकर ले आए जो कि हरी रंग की है। अब बच्चे से ही पूछते हैं कि ये क्या है। अब इसे कई सारी भाषाओं में बच्चों को बोला जा सकता है, कई सारी बोलियों में बोला जाता है जो भी टीचर को आती है। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने इसे हिंदी में बोला ये क्या है, या इंग्लिश में व्हाट इज दिस, या फिर अगर हम गोवा की बात करें मराठी चलती है कई जगह या कोंकणी चलती है तो मराठी में बोल सकते कि हे कहा है। अब बच्चा अगर उस लैंग्वेज को समझ पा रहा है तो वेल एंड गुड, या फिर जो लोकल बच्चे अगर उनकी लैंग्वेज में हमने मराठी या कोंकणी या मैं कन्नड़ में बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इदु एनु। सो कई भाषाएं कई बोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा मैंने प्रयास किया कि कन्नड़ में इदु एनु बोल सकते हैं या सुकाशे बोल सकते हैं हम गुजराती में, या हिंदी में ये क्या है, या फिर मराठी में हम बोल सकते हैं हे काया है, या इंग्लिश में व्हाट इज दिस। तो अब बच्चा कम से कम समझता है टीचर एक्सप्रेशन के साथ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बोली नहीं समझ सकते तो एक्सप्रेशन के साथ पूछ सकते हैं कि ये क्या है। तो बच्चे विभिन्न तरीके से कनेक्ट होता है टीचर के साथ, डिफरेंट डिफरेंट वेज में टीचर कनेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बच्चा हो सकता है हिंदी में उत्तर दे, या हो सकता है जो उसकी लोकल भोजपुरी भाषा है उसमें उत्तर दे,
कि यह हरियर रंग है। अब हरियर का मतलब ये पत्तियां है, तो कई बार टीचर के लिए समझना डिफिकल्ट होता है कि बच्चे ने बोला क्या। तो इस तरीके से जब बच्चों को विभिन्न भाषाओं विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते हुए शिक्षक भाषाओं का और अपने एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए समझाते हैं, तो बच्चे सिर्फ एक बोली नहीं सीख रहे होते हैं, एक भाषा नहीं सीख रहे होते हैं, बच्चों को कई सारी भाषाओं की शब्दावली बेहतर होती है। और यकीन मानिए जो सीखने का बचपन में जो रेट होता है, जो बचपन में ग्रोथ होती है बच्चे के सीखने की, जो स्पीड होती है सीखने की, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप बचपन में अगर आप फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहते थे और आपके पेरेंट मराठी हैं या फिर बिहारी है या गुजराती हैं, तो जो भाषा वो घर में बोलते हैं आप वो भाषा भी सीख जाते हैं, सिर्फ आपके मम्मी पापा जो भाषा बोलते हैं वो भी। जिस एरिया में रह रहे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप हिंदी भी सीख जाते हैं, इंग्लिश भी सीख जाते हैं, और बच्चे 5 साल की उम्र तक ही दोनों भाषाएं सीख जाता है, और बड़े होकर के एक भाषा सीखना भी अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों में जो सीखने की क्षमता रहती है बहुत तेज रहती है, बहुत फास्ट रहती है एज कंपेयर टू हम एडल्ट्स के मुकाबले। तो बड़ी आसानी से हम कई सारी भाषाओं का बोलियों का ज्ञान बच्चों को करा सकते हैं। अब बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल आपने ये पूछा कि ये क्या है, और फिर आपने बताया कि इसका रंग हरा है, या द कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन, या आपने से मराठी में अगर आपको बोलना है तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि पनाचा रंग हिरवास्तो, या गुजराती में बोल रहे हो तो आप बोल सकते हैं पांदर रंग लीलोचे। तो इस तरीके से हम कई सारी बोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कई सारे इसलिए किया, जरूरत नहीं कि आप गुजराती वहां पे इस्तेमाल करें या कन्नड़ वहां पे इस्तेमाल करें, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए किया। आप चाहें तो जो लोकल बोली आपके यहाँ चल रही है उसका, जो भाषा वहां पे है उस एरिया की उसका, और हिंदी या इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई सारी भाषा बोलियों का इस्तेमाल सिर्फ इतने में ही हो जाता है। तो इससे यकीन मानिए आपका जो कम्युनिकेशन है बच्चे के से वो बहुत बेहतर होगा, जो संवाद है चाहे वो बोले के माध्यम से हो, बोली के माध्यम से हो, या फिर हमारे आचरण के माध्यम से हो, हमारी भाव भंगिमाओं के माध्यम से हो, वो बहुत सटीक होगा, बच्चा हमसे ज्यादा क्लोज फील करेगा और बड़ी आसानी से बच्चे को आप बहुत कुछ सिखा। क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति मल्टीलिंगुअल है, कई सारी भाषाओं का ज्ञान है उसे, तो निश्चित तौर पर उसका दिमाग ज्यादा विकसित है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, मेक अ स्टोरी, मतलब कहानी बनाओ। कहानी बनाओ ये जो नवाचार है, ये अगला भाग समझ सकते हैं हम सिंप्लीफाइंग लैंग्वेज या आसान भाषा का जो हमारा नवाचार था उसका। इसके तहत क्या होता है कि बच्चों को ही कहानी बनाने के लिए बोला जाता है। इसमें टीचर क्या करते हैं, ये खासतौर पर जो प्राइमरी लेवल है यहाँ पर हाइपर प्राइमरी, उनमें इसका बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन हो सकता है। इसमें बच्चों को टीचर विभिन्न विभिन्न वस्तुएं अपने सराउंडिंग से इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चे कंकड़ उठा सकते हैं, चौक उठा सकते हैं, ठीक है, विभिन्न पत्तियां और फूल उठा सकते हैं, रेत एक्सेट्रा उठा सकते हैं। तो बच्चे आसपास से न्यूज़पेपर या मैगजीन इकट्ठा कर सकते हैं, तो टीचर बच्चों से आसपास से उनके सराउंडिंग से कोई वस्तु उठा करके लाने को बोलते हैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए। अब जब बच्चे उन वस्तुओं को इकट्ठा कर लाए, तो टीचर बच्चों के विभिन्न ग्रुप बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 स्टूडेंट है तो हमने 5-5 विद्यार्थियों के 4 ग्रुप बना दिए। अब टीचर बोलते हैं बच्चों से कि आप विभिन्न विभिन्न जो वस्तुएं आपने इकट्ठा की या जो आपने इकट्ठा की है वो दिखाइए कि आपने क्या क्या वस्तुएं इकट्ठा की है। बच्चे अपने ग्रुप के अनुसार दिखाते हैं हम क्या क्या वस्तुएं लेकर के आए हैं। एक ग्रुप एक ही किसी वस्तु को इकट्ठा करता है। अब टीचर बच्चों से बोलते हैं कि ये जो वस्तुएं आपने उठाई है इसके लिए आपको इन पे आधारित कोई कहानी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पत्थर उठाए हैं, कंकड़ उठाए हैं, तो आपको कोई ऐसी कहानी खुद से बनानी है जिसमें इन कंकड़ों का नाम वर्णन आए या इन कंकड़ों की बात हो रही। किसी बच्चे ने चौक उठाए तो टीचर ने कहा, या चौक लेकर के आए तो टीचर ने कहा कि आपको कोई ऐसी कहानी है जिसमें चौक का कुछ वर्णन हो या चौक के संबंधित कोई इंफॉर्मेशन हो।
या चौक से जुड़ी हुई कोई कहानी आपको बना। तो बच्चों को जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं सराउंडिंग्स के, अब बच्चे इन पे कहानी बनाने का प्रयास करते हैं। टीचर एक निश्चित समय दे देते हैं, इस समय के अंतर्गत आपको फॉर एग्जाम्पल एक दिन दो दिन या चार दिन का समय दे सकते हैं कि इस समय तक आपको कहानी बनानी बतानी है। और फिर जिस दिन वो कहानी वाला दिन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम शनिवार की बात करें, तो शनिवार के दिन एक एक करके उस ग्रुप को बुलाया जाता है और ग्रुप के बच्चे आकर के अपनी अपनी कहानियां बताते हैं। सो जिस ग्रुप ने सबसे अच्छे तरीके से कहानी बताई उस ग्रुप को तालियों के माध्यम से सम्मानित किया जाता है और टीचर इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि जो सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चों को मौका मिल दे और सारे के सारे बच्चे किसी न किसी एक्टिविटी में सम्मिलित या शामिल हो रहे हो। तो ये था हमारा तीसरा इनोवेटिव आइडिया जिसका नाम हमने रखा मेक अ स्टोरी या फिर कहानी बना। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ जिसका नाम है ड्रामेटाइजेशन या नाटकीय रूपांतरण। क्या है नाटकीय रूपांतरण, आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। नाटकीय रूपांतरण ड्रामेटाइजेशन, हम सब जानते हैं कि, और मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आप मुझे एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लोगे तो मैं सीखता हूं, मैं का मतलब यहाँ पे बच्चे से। आपसे अगर मूवीज की बात करूं तो आपने बहुत सारी मूवीज कितने पहले देखी होंगी लेकिन आपको भली भांति याद। अगर आपने कोई रोल प्ले किया तो आप जीवन भर उस रोल को नहीं भूलते। टीचर ने इसी थॉट प्रोसेस को कि हम जो मूवीज देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, बहुत लंबे समय तक हमें याद रहती है, क्यों ना इस ड्रामेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, नाटकीय रूपांतरण का जो कॉन्सेप्ट है, वो इन्वॉल्व किया जाए एडुकेशन में, वो इन्वॉल्व किया जाए शिक्षा में, जिससे बच्चों को, जब बच्चे स्वयं ड्रामा करेंगे, जब बच्चे नाटकीय रूपांतरण करेंगे, उस एक्टिविटी में शामिल होंगे, तो लंबे समय तक उन्हें याद रहेगा और वो भूलेंगे नहीं, और बड़ी आसानी से जो विषय वस्तु है, जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, बच्चे सरलता से समझ जाए। और ये एक्टिविटी इस तरीके से काम करती है कि टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, खासतौर पे अगर हम रिवीजन करा रहे हो, रिकैप्चुलेशन करा रहे हो किसी पार्ट का, तो इस एक्टिविटी को बहुत आसानी से और बहुत बेहतर पूर्ण या बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया न्याय व्यवस्था के बारे में या फिर भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में। अब टीचर ने बच्चों को बता दिया भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में कि भारतीय न्याय प्रणाली है क्या, तो याद रहेगा क्या बच्चों को? कई बार भूल जाते हैं कि जज का काम क्या है, वकील का काम क्या है, पुलिस का क्या काम होता है, मुवक्किल कौन होता है, ये सारी चीजें कई बार बच्चों को याद नहीं होती हैं या समझ में नहीं आता है, क्योंकि पढ़ा दिया बस, और सिर्फ पढ़ा दिया कि जज ये होता है, बच्चों को समझ में आएगा क्या? जज कहाँ बैठता है समझ में आएगा क्या? किसकी हायरार्की क्या होती है समझ में आएगा क्या? मुजरिम है, कोई मुजरिम है वो कटघरे में खड़ा होता है तो कटघरा क्या है समझ में आएगा क्या? सिर्फ पढ़ा देने से कई बार चीजें समझ में नहीं आती, समझ में तब आती हैं जब बच्चा उन्हें स्वयं अपने सामने गतिविधि आधारित शिक्षण करे, जब उन्हें होता हुआ देखे। और अब इसके लिए हम बच्चे को कोई कचहरी तो नहीं ले जा सकते, या हो सकता है कई बार संभव ना हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम क्यों ना अगर ऐसा ही कुछ माहौल नाट्य रूपांतरण अगर अपने विद्यालय में क्रियान्वित कर दें तो बेहतर तरीके से बच्चा सीख सकता है। अब अगर हमें न्याय व्यवस्था के बारे में या भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में बच्चों को बताना है, तो टीचर ने बच्चों को ही एक कहानी दे दी और उस, या टीचर ने बच्चों से ही बोला कि आप एक कहानी लिखिए, या जो भी कहानी किताब में दी हुई है, वो बच्चों को विभिन्न विभिन्न रोल प्ले करने के लिए बोल दिया जाता है और हर बच्चे को अपना कैरेक्टर याद करने के लिए बोला जाता है, या फिर वो उसे पॉइंट वाइज लिख ले कि किस कैरेक्टर का क्या रोल है और मुझे अपने कैरेक्टर के डायलॉग्स कब कब है और कब बोल। अब इसी में कोई बच्चा जज बन जाता है तो जज के लिए एक चेयर की व्यवस्था की जाती है और एक टेबल की व्यवस्था की जाती है। हथौड़े के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्की सी मोटी लकड़ी का। अब
वकील होते हैं, दो वकील बनाए जाते हैं जो अपने अपने क्लाइंट्स की तरफ से, मुवक्किल की तरफ से जिरह करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। मुजरिम बनाया जाता है, पुलिस बनाया जाता है, और सबका क्या रोल होता है, बच्चे अपने अपना रोल प्ले करते हैं। अब मैं आपसे ही पूछूंगा, अगर बच्चे इस तरीके से रोल प्ले कर ले, इस तरीके से नाटकीय रूपांतरण कर ले, तो आपको लगता है कि बच्चा कभी भूलेगा कि जज की क्या पोजीशन होती है, जज का क्या काम होता है, या बच्चे से आप पूछेंगे फैसला कौन देता है? अगर आपने एक्टिविटी में नहीं किया है, बच्चे ने सिर्फ रटा हुआ है, तो यकीन मानिए कई बार वो फैसले में वकील का नाम ले लेंगे या फिर बोल देंगे कि पुलिस वाले फैसला देते हैं। तो अगर इस तरीके से बच्चा ड्रामेटाइजेशन में या नाटकीय रूपांतरण में शामिल होता है, तो उसे भूलेगा नहीं और बहुत लंबे समय तक बच्चा याद रखेगा। या ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये जो लर्निंग होगी, ये जो सीख होगी, ये जीवन पर्यंत होगी और बच्चा लाइफ में कभी नहीं। तो इस तरीके से बच्चों को बड़ी आसानी से हम सिखा सकते हैं। अगला इनोवेटिव आइडिया आता है चिल्ड्रंस मार्केट या फिर बाल बाजार या बच्चों का बाजार। क्या है बच्चों का बाजार या चिल्ड्रंस मार्केट, आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए कई सारे टॉपिक बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, मुश्किल होते हैं, विशेष तौर पर गणित जैसा विषय। बच्चों के लिए जोड़ना घटाना, गुणा करना, हिसाब किताब करना बहुत मुश्किल टास्क होता है कई बार। साइंस की बात करें तो वेट्स बच्चों के लिए कई बार मुश्किल क्रिएट करते हैं कि कितने ग्राम बराबर या कितने ग्राम का एक किलो होता है या एक केजी होता है, 250 ग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम में कितने पाव होते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों के लिए कई बार काफी मुश्किल क्रिएट करती हैं, काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बच्चों को सारी चीजें समझने में। इसके अतिरिक्त एक कम्युनिकेशन की बात कैसे करनी है, किससे क्या बात करनी है, ये भी बच्चों के लिए अगर एक छोटी उम्र से ही वो सीख जाए तो बहुत प्रभावी हो सकता है, वो आगे चलकर एक बेहतर स्पीकर बन सकता है। तो टीचर ने कहा कि सर इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना चिल्ड्रंस मार्केट का इस्तेमाल किया जाए इनोवेटिव आइडिया के तौर पे, क्योंकि जो बाजार है वो अपने आप में ज्ञान का भंडार समेत होता है, जहां पे कोई व्यक्ति तोल मोल करना, बारगेनिंग करना, बात करना, डिफरेंट वस्तुओं के बारे में जानना, हिसाब किताब करना, तोल मोल करना इत्यादि सीखता है। उन्होंने कहा सर मैंने क्या किया, मैंने बच्चों की ही दो टीम बना दी। मैंने का मतलब यहाँ पे शिक्षक से। उन्होंने कहा सर मैंने बच्चों की ही दो टीम बना दी और मैंने क्या किया कि बच्चों को ही बोला कि आप डमी ऑब्जेक्ट बनाइए। डमी ऑब्जेक्ट मतलब बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट का जो पीरियड था उसमें बच्चे ड्रॉइंग करना सीखते हैं कि कपड़े बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, सूट किस तरीके से बनाना है, उन्हें सब्जी मार्केट अगर डालना है तो कैसे कैसे सब्जियों के डिजाइन उन्हें काटने हैं या डिजाइन ड्रॉ करनी है, ड्राइंग बनानी है, मछलियां बनानी है तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की मछलियों के ड्राइंग्स बच्चे बना सकते हैं। तो इससे बच्चों का जो रचनात्मक कौशल है उसका विकास होता है, बच्चे बहुत सारी एक्टिविटी सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं। इसके उपरांत जब बच्चों ने बना लिया तो एक स्पेसिफिक दिन चिल्ड्रंस मार्केट लगाया जाता है, जहाँ पे कुछ बच्चे ग्राहक की भूमिका में होते हैं और कुछ बच्चे दुकानदार की भूमिका में। अब ग्राहक उनसे सामान खरीदते हैं, तोल मोल करते हैं, दोनों में बातें होती हैं, और जो दुकानदार है वो तौलता है, वजन करता है। अलग अलग वाट्स बनाए जाते हैं विभिन्न विभिन्न ग्रामों के, उनमें लिखा जाता है, और बच्चे बड़ी आसानी से बहुत कुछ इस चिल्ड्रंस मार्केट गेम के या चिल्ड्रंस मार्केट एक्टिविटी या गतिविधि के माध्यम से सीख लेते हैं। इससे फायदा ये होता है कि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उस माहौल को एंजॉय करते हैं, उन्हें दुकान के एक रियल फील आप देते हैं, मार्केट के एक रियल फील मिलता है, और जो लर्निंग है बच्चों की वो कॉन्क्रीट होती है। बच्चा बहुत कुछ अब उसे याद रहेगा कि अगर मैंने या तोल मोल करने की हम बात करें कि बच्चा 50 रुपए लेकर के गया और उसने 24 रुपए का कुछ खरीदा तो अब उसे कितना बचा, या 1 किलोग्राम पोटैटो या आलू 40 रुपए का है तो एक पाव कितने का आएगा। अब बच्चे सारे गणित लगाता है, सारे हिसाब किताब करता है,
और जब वो हिसाब किताब करता है उस एक्टिविटी में शामिल होता है तो बड़ी आसानी से बच्चा सीख जाता है और फिर वो गलतियां नहीं करता है। रेदर देन बच्चों को कॉपी में बैठा करके ये लिखना कि मैंने 24 रुपए का 1 किलो आलू खरीदा, मेरे पास 50 रुपए थे तो अब कितना बचा, तो ये कई बार कंफ्यूजिंग होता है, हम सबके लिए कई बार बच्चों में कंफ्यूजिंग होता था। लेकिन जब बच्चा स्वयं उस एक्टिविटी को करता है, पढ़ने के साथ साथ जो कक्षा में पढ़ाया गया जब उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है तो उसकी जो लर्निंग है वो यकीन मानिए बहुत कॉन्क्रीट होती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ जिसका नाम है वर्ड्स वॉचिंग। क्या है वर्ड्स वॉचिंग? वर्ड्स वॉचिंग मतलब पक्षियों को देखना। क्या है वर्ड्स वॉचिंग, आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सब, अगर मैं आपसे बात कहूं तो कई सारे लोग हम में से ऐसे जिन्हें पक्षियों को देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है और बच्चों को तो विशेष तौर पर, उन्हें पक्षियों को देखना, विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखना, इनफैक्ट विभिन्न इंसानों को देखने में भी उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है। और ये जो वर्ल्ड वॉचिंग की गतिविधि है इससे तो साइंटिस्ट भी कहते हैं, साइंटिफिकली भी एक प्रूवन है कि इससे हम ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं, ज्यादा खुश महसूस करते हैं। हमारा, अगर हम डिप्रेस्ड हैं या टेंशन में हैं या परेशानी में हैं तो उससे भी हम दूर होते हैं इस गतिविधि को करने के माध्यम से। हमारे जो नजरिया है, हमारी जो देखने की बारीकी है, जो हमारा ऑब्जर्व करने की बारीकियां हैं, इसमें भी निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होती है। टीचर ने कहा कि सर बच्चों के लिए आसपास की विभिन्न पशु पक्षी और वनस्पतियों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर बच्चा आसपास की वनस्पतियों को, पशु पक्षियों को, आसपास के माहौल को समझता है तो उसका जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति, इन पशु पक्षियों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का विकास भी तभी हो सकता है या निर्वहन तभी हो सकता है जब बच्चों को छोटी उम्र से ही इन सारी चीजों के, पर्यावरण के महत्व के बारे में, हमारे आसपास की वनस्पतियों के बारे में, पशु पक्षियों के महत्व के बारे में बच्चों को बताया जाए। और इसी के तहत शिक्षक ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा बर्ड्स वॉचिंग। बर्ड्स वॉचिंग नवाचार के अंतर्गत शिक्षक बच्चों को इस एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, इसके महत्व के बारे में बताते हैं और फिर बच्चों को ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से बर्ड्स वॉचिंग कर सकते हैं। बच्चों को विभिन्न ग्रुप बनाए जाते हैं और शिक्षक किसी स्पेसिफिक दिन बच्चों को चाहे तो विद्यालय के सराउंडिंग में या आसपास पे कोई नजदीक अगर कोई पार्क वगैरह है या कोई बागीचा है तो वहां पे बच्चों को ले जा सकते हैं। बच्चों को शिक्षक ये भी बताते हैं कि तुम्हें बर्ड्स के नाम के बारे में लिखना है, उनकी एक्टिविटीज, उनका रंग के बारे में लिखना है, और अगर किसी बच्चे को भाषा से भाषा में इंटरेस्ट है, रुझान है, तो बच्चा उनका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नाम और आसपास की बोली में उन पक्षियों को क्या बोला जाता है भी अपनी कॉपी में लिखते हैं। टीचर बच्चों को पहले से ही बताते हैं कि आपको अपने साथ एक कॉपी और एक पेंसिल या पेन लेकर के चलना है। आप जो भी एक्टिविटी पक्षियों की देखते हैं वो आपको लिखनी है। वो साथ साथ ये भी बताते हैं कि पक्षियों को देखना कई बार काफी मुश्किल होता है लेकिन उन्हें सुनना आसान होता है। अगर आप किसी पक्षी को देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सुनिए कि वो अगर बोल रहा है, चहचहा रहा है तो उसकी आवाज कहाँ से आ रही है, और फिर उस आवाज का पीछा करते हुए आप फिर उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए तो आपको पक्षी ज्यादा आसानी से दिख जाएगा या मिल जाएगा। पीछे साथ ही साथ बच्चों को बोलते हैं कि वो बिन लेके चले जिसमें जो जो वो वस्तुएं पक्षियों से संबंधित पाते हैं उसको अपने पास रखते चले। उदाहरण के तौर पर अगर पंख पा रहे हैं तो उस पंख को रखते रख लें अपने साथ उस बिन में, उस टोकरी में, और ये भी ढूंढने का प्रयास करें कि वो पंख आखिर किस पक्षी का हो सकता है। इसके अलावा टीचर बच्चों को बताते हैं कि पक्षियों को नजदीक में पक्षी है या नहीं ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है पहले तो उनकी आवाज, दूसरा उनकी बीट, बीट के माध्यम से आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, जो ऑल पैलेट है उसके माध्यम से ढूंढा जा सकता है। साथ ही साथ जो घोंसले हैं, अगर आसपास आपको घोंसला कहीं दिख रहा है तो एक बड़ा साइन है कि पक्षी वहां पे मौजूद है। अगर आपको कहीं आधे
चबाए हुए बीज मिल रहे हैं या फिर आधे खाए हुए फल मिल रहे हैं, तो ये भी एक सूचक होता है कि उस एरिया में पक्षी मौजूद है। अब बच्चे आस पास के एरिया में घूमते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो देखते हैं वो नोट करते चलते हैं। इसके साथ साथ टीचर बच्चों से ये भी कहते हैं कि हमें बच्चों जो पक्षी हैं उनके लिए हमें बर्ड हाउस भी बनाना चाहिए, हम बना सकते हैं। और बच्चे और शिक्षक मिलकर के कार्डबोर्ड के माध्यम से रंगीन करते हुए विभिन्न बर्ड हाउस भी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त गर्मी में जो पक्षी हैं उनके लिए पानी आदि का व्यवस्था भी शिक्षक करते हैं या फिर बर्ड स्कूल बनाते हैं जिसमें विद्यार्थी आकर के नहा सकें, गोते लगा सकें। तो इस तरीके से बच्चे जब आसपास के वनस्पतियों और पशु पक्षियों के बारे में देखते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है, उनका नेचर के प्रकृति के प्रति जो इंटरेस्ट है, जो रुझान है वो बेहतर होता है, जो सम्मान है उनका प्रकृति के प्रति वो भी आगे चलकर बढ़ता है। और बच्चे का ऑब्जर्वेशन पावर के साथ साथ सब्जेक्ट में, क्योंकि छोटे बच्चों की आप किताबें देखेंगे तो उनमें अक्सर यही टॉपिक होते हैं, तो इन टॉपिक का जो ज्ञान है वो भी बच्चे क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में गतिविधि आधारित शिक्षण में शामिल हुआ, तो निश्चित तौर पर बच्चे का ज्ञान बेहतर और ठोस होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ जिसका नाम है लर्न फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधों से सीखना। हम सब जानते हैं कि जो प्रकृति है वो सबसे अच्छी शिक्षक है, हम प्रकृति के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। और किताबों के माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं कि किताब में अगर हमें सिर्फ इतना ही पढ़ा दिया जाता था कि लीव क्या होती है, क्या काम होता है लीव्स का, किस प्रकार अलग अलग लीव्स होती है, सिर्फ किताबों में चित्रों के माध्यम से समझा दिया जाता था, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट होता है इस तरीके से समझना कि लीव्स के आकार कैसे अलग होते हैं, वेन्स उनमें कैसी होती हैं। तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए, हमारे लिए सिर्फ चित्रों के माध्यम से समझना। टीचर ने कहा सर इसी गतिविधि को हम क्या करते हैं, अगर हमें बच्चों को विभिन्न पत्तियों के बारे में, उनके पौधे के अंगों के बारे में बताना है, तो हम बच्चों को लर्न फ्रॉम द प्लांट नामक एक गतिविधि या नवाचार एक्टिविटी कराते हैं जिसमें बच्चे सम्मिलित होते हैं और विभिन्न पौधे के अंगों के बारे में स्वयं जानते हैं। इसके तहत इसके टीचर ने विभिन्न स्टेप बनाए और उन स्टेप्स में बच्चों को कई सारी जानकारियां स्वयं ही प्राप्त। फॉर एग्जाम्पल जिसका पहला स्टेप है उसमें ये होता है कि बच्चों से ही शिक्षक स्वयं बच्चों को पहले करके बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें बीजारोपण या पौधारोपण करना है और घर में किस तरीके से बच्चे पौधारोपण या बीजारोपण कर सकते हैं। दूसरा होता है कि किस तरीके से विद्यालय में शिक्षक मेडिसिनल प्लांट मतलब औषधीय पौधे किस तरीके से विद्यालय में एक एरिया में औषधीय पौधे, विभिन्न औषधीय पौधे लगाए जा सकते हैं, उदाहरण के तौर पर तुलसी, अदरक, धनिया, लहसुन जो बड़ी आसानी से उग जाते हैं, एलोवेरा इत्यादि, ये वो पौधे वो बीज जो बड़ी आसानी से उग जाते हैं और इनका इस्तेमाल मध्यान्ह भोजन में भी किया जा सकता है। अब टीचर जो तीसरा स्टेप ये होता है कि विद्यालय प्रांगण में छोटे से एरिया में सीड मतलब बीजों के माध्यम से थोड़ी बहुत खेती करना जिससे बच्चे पौधों को उगाने या सब्जियां उगाने या अन्न उगाना सीख सकें और आगे चलकर हो सकता है इन्हीं में से कोई बच्चा इस प्रोफेशन में अपना करियर बना सकता है, कृषि वैज्ञानिक बन सकता है, अच्छा फार्मर बन सकता है इत्यादि। तो ये तीन माध्यम से इस एक्टिविटी को कराया जा सकता है। इसमें सबसे पहले शिक्षक बच्चों को विभिन्न पौधों के बारे में और विभिन्न पौधों के अंगों के बारे में बताते हैं, बाहर ले जाकर के विभिन्न पत्तियों के बारे में, पौधों के बारे में बच्चों को बताते हैं, उन्हें सिखाते हैं। उसके बाद शिक्षक स्वयं कक्षा में एक पौधा या तो पौधा लगा सकते हैं या फिर बीज बो सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं किस तरीके से बीज लगाया जा सकता है। इसके बाद बच्चों को एक टास्क दिया जाता है कि वो घर जाकर के एक सैपलिंग, एक पौधा या फिर बीज बोए। उसके बाद बच्चों से हफ्ते भर बाद पूछा जाता है कि उनके बीज की स्थिति या पौधा लगाया तो उसकी स्थिति क्या है।
बच्चे पौधों की ग्रोथ इत्यादि अपनी कॉपी में लिखते जाते हैं और एक महीने बाद शिक्षक उन बच्चों से उस पौधे से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर बच्चे को कहीं जानकारी का अभाव है कि किस तरीके की खाद देनी चाहिए, कब पानी देना चाहिए इत्यादि, तो शिक्षक उन्हें उन बच्चों को ये महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है कि विद्यालय प्रांगण में ही बच्चों की मदद से शिक्षक धनिया बोते हैं, लहसुन लगाई जाती है, अदरक बोया जा सकता है, एलोवेरा लगाया जा सकता है इत्यादि। इसे बहुत सारे जो सब्जियां हो गई उदाहरण के तौर पे, या जो आयुर्वेदिक औषधि वाले पौधे हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें उगाया जा सकता है और इन सारी चीजों को हम मध्याह्न भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा आता है छोटे से एरिए में खेती करना जिसमें सब्जियां या फिर कोई अन्न इत्यादि लगाया जा सकता है। ये बच्चों की मदद से ही शिक्षक करते हैं और बच्चों को विभिन्न अन्नों के बारे में, विभिन्न फसलों के बारे में बच्चों को बताया जाता है, विभिन्न सब्जियों के बारे में बच्चों को बताया जाता है, कौन सी सब्जी के लिए कैसा वातावरण है, फसल के लिए कैसा वातावरण चाहिए इत्यादि। बच्चा स्वयं से खेती करना सीखता है, बच्चा औषधीय पौधों के महत्व के बारे में सीखता है, बच्चा पर्यावरण के महत्व के बारे में सीखता है और पौधों से ही बच्चों को विभिन्न जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। और एक छोटे से इनोवेटिव आइडिया से हो सकता है कोई बच्चा इसी क्षेत्र में अपना करियर बना ले या इसी क्षेत्र में उसका रुझान बढ़े और वो सोचे कि मुझे इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है। अगला आता है सीइंग इज बिलीविंग, मतलब देखना ही यकीन करना है या महसूस करना है या विश्वास करना है। और ये फील्ड ट्रिप्स, फील्ड ट्रिप्स क्यों, जैसे मैंने कहा था कि बच्चों को कई बार हम बात कर रहे थे जब ड्रामेटाइजेशन या नाटकीय रूपांतरण की कि बच्चों को नाटक करके, बच्चे स्वयं नाटक करके विद्यालय में सीखें, इसी का एक एक्सटेंशन हो सकता है फील्ड ट्रिप, जैसे बच्चे फील्ड पे जा करके विभिन्न विभिन्न प्रोफेशन के बारे में, विभिन्न जॉब्स के बारे में सीख सके। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने अगर बच्चों को डॉक्टर्स के प्रोफेशन के बारे में सिखाया तो अगर उसे फील्ड विजिट कराया जाए तो बड़ी आसानी से वो सीख सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं किसी बच्चे को फर्स्ट एड के बारे में बताऊं कि फर्स्ट एड का क्या काम होता है, आप ही मुझे बताइए वो ज्यादा फायदेमंद होगा या ये ज्यादा फायदेमंद होगा कि बच्चा फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल करना सीखे या देखे कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो। इसी के तहत बच्चों को फील्ड ट्रिप्स कराई जा सकती है जहां बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे ले जाया जाता है और बच्चों को बताया जाता है, उन्हें एक्सपीरियंस करने का, एक्सप्लोर करने का एक मौका दिया जाता है कि बच्चे एक्सप्लोर कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें कि सामने क्या क्या गतिविधियां हो रही है, जिससे बच्चा अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने पेशे का चुनाव कर सके। बच्चों को ऐसे ही पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, ब्लॉक ऑफिसेस, एग्रीकल्चरल फार्मलैंड इत्यादि जगहों पर लिया जाता है, जिससे बच्चे विभिन्न रोजगारों के बारे में, व्यवसाय के बारे में सीख सके। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले और आज के आखिरी इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है स्टार ऑफ द क्लास या कक्षा का सितारा। कक्षा का सितारा नवाचार के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि प्रोत्साहन हर किसी को पसंद होता है, शायद ही कोई बच्चा या शायद ही कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा होगा जिसे प्रोत्साहन या तारीफ पसंद ना हो। प्रोत्साहन हम सबको अवसर देता है कि हम बेहतर और बेहतर कर सकें। ये एक तरीके से हमारे लिए एक कैप्सूल का, एक एनर्जी का सोर्स बनता है जो हमें प्रोत्साहित करता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम निरंतर बेहतर और बेहतर करते रहे। और इसी साइकोलॉजी के तहत शिक्षक ने इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम रखा उन्होंने स्टार ऑफ द क्लास या कक्षा का सितारा। कक्षा का सितारा नवाचार के अंतर्गत शिक्षक बच्चों को विभिन्न विभिन्न पैरामीटर्स बताते हैं, उन्हें पहले से बता दिया जाता है कि हम एक ऐसा एक ऐसी गतिविधि विद्यालय में क्रियान्वित करने जा रहे हैं जिसमें अगर आप बेहतर करते हैं तो आपको कक्षा का सितारा या फिर हफ्ते का सितारा, महीने का सितारा नामक या स्टार ऑफ द मंथ या स्टार ऑफ द वीक नामक बैच से आपको सम्मानित किया जाएगा। और उस पूरे हफ्ते पूरे महीने के लिए शिक्षक कुछ बैज बनाते हैं और बच्चों को वो बैज अपने शर्ट में लगाने के लिए हफ्ते भर के लिए या महीने भर के लिए मौका मिलता है। अब इसके अंतर्गत
जैसे मैंने कहा शिक्षक बच्चों को विभिन्न पैरामीटर्स के बारे में बताते हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षक बताते हैं कि अगर आप साफ सुथरे ड्रेसेस में आओगे, पूरे हफ्ते भर आप रोज स्कूल आओगे, अगर आप पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो मैं सिखा रहा हूँ उससे बेहतर तरीके से सीखते हैं, तो आपको स्टार ऑफ द वीक का टैग मिलेगा या सप्ताह का सितारा नामक टैग मिलेगा, बैच मिलेगा। जो बच्चा बेहतर परफॉर्म करता है उसे सप्ताह के अंत में स्टार ऑफ द वीक नामक बैच से, जो कि स्टार की आकृति में बच्चों की मदद से शिक्षक कार्डबोर्ड के माध्यम से डिजाइन कर सकते हैं, वो बच्चे को दिया जाता है और बच्चा हफ्ते भर उसको अपने शर्ट में लगा करके घूमता है। आप खुद सोचिए कि बच्चों के लिए ये एक बैज, ये किसी मेडल से कम नहीं है। बच्चा जब उस बैज को लगा के घूमता है तो उसके अंदर वो मेडल वाली फीलिंग आती है कि मैंने कुछ बेहतर किया और मुझे ये मिला है, और बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता है कि ये मेडल मेरे पास ही रहे, और दूसरे बच्चे ये प्रयास करते हैं कि मुझे भी जब इससे मेडल मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं, और मुझे भी ये मेडल मिलना चाहिए और इसके लिए मुझे और मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, रेगुलर स्कूल आना है, साफ सुथरे कपड़ों में आना है, रिजल्ट अपना बेहतर करना है, टेस्ट में अपना बेहतर स्कोर करना है, जिससे मुझे भी ये बैच मिल सके। इसके अतिरिक्त अगर क्लास की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो शिक्षक एक से अधिक स्टार ऑफ द वीक कर सकते हैं। अंत में जिस बच्चे का महीने के चारों सप्ताह में सबसे अच्छा रिजल्ट है, सबसे अच्छा आउटपुट आया, उस बच्चे को स्टार ऑफ द मंथ से नवाजा जाता है और पूरे एक महीने तक उस बच्चे के पास वो बैच मेडल के रूप में उसके बेहतर कार्य के लिए उसे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे जो बेहतर कर रहे हैं उन्हें एप्रिसिएशन के तौर पर एप्रिसिएशन टैग भी दिया जा सकता है शिक्षकों के माध्यम से, कि इससे वो बच्चे प्रोत्साहित हो और बेहतर करने के लिए और कोशिश करें कि वो अगले महीने स्टार ऑफ द वीक या स्टार ऑफ द मंथ बनाया जाए। तो ये थे आज के नौ इनोवेटिव आइडियाज जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। उम्मीद करता हूँ आपको इनोवेटिव आइडियाज पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन इस प्रोग्राम के अंतर्गत, इन नवाचारों के अंतर्गत हो, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे साझा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई अनुभव है जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं इस वेबिनार पे और इस वेबिनार के माध्यम से देश भर के शिक्षकों से, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप अपने अनुभव मेरे साथ अभी साझा कर सकते हैं। हमारे साथ फेसबुक पे और इस लाइव वेबिनार पे जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हम इस नवाचारों के जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है, इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा नवाचार पहुंचा सकें, और आप सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। कल फिर इसी वक्त 11 बजे आपसे मुलाकात होगी गोवा के कुछ दूसरी केस स्टडी, किसी दूसरे इनोवेटिव आइडियाज के साथ, किसी दूसरे नवाचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।